नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल के सामने। ये देख सकते हैं सामने एकॉर्ड हॉस्पिटल है और इसके ठीक सामने ये सीएनजी पंप है। और आपको बता दें कि आज सुबह तकरीबन कितने बजे, 7:30-8 के बीच में, 7:30-8 के बीच। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था ये ऐसे हुआ है, ट्रक खड़ा था, इसमें लाइन थी। हाँ। तो वही लाइन में उन्होंने टच किया, इतने में भादसा पूरा जलने लगा, चक्का वगैरह पूरा सब पब्लिक, हाँ पूरा आग निकली थी, पूरा चक्का होके हम लग गई थी। फिर पब्लिक भागने लगी, इधर से उधर हो गए, तय समय कोई बोल ही नहीं रहा था। फिर इसके बाद हुआ था हादसा, फिर इसके बाद उसको उठाई भी नहीं रहा था कोई पब्लिक, बहुत देर में उसको उठाया है, फिर ले गए। अरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ जी। नाम पता है क्या? नाम आइडिया अभी मेरे को इतना जानकारी नहीं है, फिलहाल देखा हूँ उसको, पहचानता हूँ मैं उस लड़के को, वही लगा होगा 55 साल का, 60-50। अच्छा, 55 साल का, मतलब। लेकिन अब कैसे हैं, कुछ ठीक ठाक है? अभी फिलहाल उसकी जवान बाहर आ गई थी, एकदम ऐसा लग रहा था एकदम सड़ी हुई थी जवान, एकदम बुरी से ले गए थे अभी। हाई वोल्टेज है, हाँ। शायद 11,000 फिर, हाँ 11,000 लाइन है, 11,000 लाइन है ये सीएनजी पंप वाले, बहुत हाथ देखो क्या हुआ। अच्छा, ड्राइवर नहीं था? और कही कह रहे थे कि ड्राइवर नहीं, नहीं ड्राइवर रात को चला गया था। अभी रात को ही फंसी थी, फिर उसको पब्लिक डांटे वोटे होंगे तो रात में चला। ट्रक यहाँ कैसे खड़ा रह गया? ये ऐसा हुआ, इसमें फंस गया था, वे निकाल रहा था तो आगे पीछे करवा रहे थे, बहुत देर तक पूरे खम्बा वम्बा रात में हिला था। हाँ। फिर उसको पब्लिक डांटने लगे, वे बेचारा भाग गया था ड्राइवर। अच्छा, इसी में फंस गया था? हाँ, तारों में फंस गया था तो वे छोड़ के चला गया था, सुबह लाइन आई है तभी इसका कांड हो गया। तो अब क्या, वे फिर हटाई थी लाइन वाइन कुछ करा? आए बिजली वाले? आए बिजली वाले, आए थे पुलिस वाले भी आए थे, गाड़ियाँ भी आई थी, फिर समझौता एक तार काट लिए अभी फिलहाल नॉर्मल। हाँ, जो नीचे था उसको काट के ले गए। उसको लेके काट दिया ये वाली जो पड़ी है नीचे। तो ये सुबह का मामला है, 8:30-8 बजे का। तो फरीदाबाद देख सकते हैं जैसा कि बता रहे थे। और क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप पाल। प्रदीप, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी बता रहे थे कि यहाँ सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड को करंट लगा और भयंकर करंट लगा था। ये देख रहे हैं आप टायरों के निशान, ये जनरेटर है, ये यहाँ आया था, सीएनजी पंप वालों का ही जनरेटर होगा, ये जनरेटर यहाँ आया था। और ये ऊपर देख रहे हैं हाई टेंशन वायर जो जा रही हैं, ये 11,000 वोल्टेज की जो लाइनें हैं, इनमें एक तार नीचे था जिस पर जो इस जनरेटर पर टच हो रहा था, फंस रहा था। और इसी वजह से जैसा कि वो बता रहा था, प्रदीप बता रहे थे कि वो गाड़ी यहीं रुकी रही और ड्राइवर चला गया, लेकिन सुबह अब उसमें पता नहीं कैसे करंट आया, क्या हुआ, जैसे बता रहे थे कि आग भी जलने लगी थी और सुबह उस सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको करंट लग गया था। ये देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं 11,000 वोल्टेज का करंट तो कोई छोटा मोटा करंट नहीं रहता, बड़ा हैवी करंट रहता है। और ये देखें, इस पर भी लग रहा है कुछ ऐसे निशान के जले जैसे, लेकिन अब क्या हुआ था वो नहीं पता। ये गाड़ी कौन चला रहा था जी? गाड़ी कौन चला रहा था? सर हम ही चला रहे थे गाड़ी। आप चला रहे थे? अच्छा, क्या हुआ था एक बार बता दें। हुआ क्या था साहब, ये तार थे, एक बार खड़े हो जाएं जरा। हाँ, ये केबल थे। अच्छा, ये जो, हाँ ये 11,000 वोल्टेज की जो लाइन, हाँ ये लाइन थे। हम यहाँ आके रुके, ब्रेक लिया और इसमें पतली पतली 3-4 तार लपटी हुई थी। अच्छा, और भी? हाँ और भी, तो इससे तो निकल गए। वो पतली वाली तार थी, वो तार ने खींच दिया, इस जो ऊपर वाली है ना केबल की लाइन, उसको नीचे खींच दिया। तो फिर यहाँ जाके पटाखा बोला, फिर उसके बाद हमने गाड़ी छोड़ दिया, नहीं तो फिर हमारे भी जान भी बिल्कुल। ये टायर नुकसान हुआ, टायर पर आग आग लग गया था टायर। अच्छा, ये इधर वाले में, क्या नाम आपका? शिवम नाम है। शिवम जी, तो ये जनरेटर का इनका ही है क्या? हाँ, यहाँ आया है खाली होने के लिए। अच्छा, ये इन्हीं का पंप वालों का था, तो आप लेके आए थे यहाँ? लेके आए, लेके आए। तो कल कितने बजे की बात है? रात की बात है साहब, 10 मिनट पहले हो या 10 मिनट बाद हो। अच्छा, मतलब 12 बजे के आसपास की बात है, तो आप तभी चले गए थे फिर? नहीं, हम तो यहीं हैं साहब रात भर से। आप यहीं हो? अच्छा, तो वो करंट उनको कैसे लगा? उनको तो साहब सवेरे जब लाइन वाले आए हैं 7:30-7:30 बजे, जब उन्होंने पता नहीं क्या किया है, तो उनको बता रहे थे कि नहीं ये इसमें आग लगी थी। अब वो इतनी दूरी से, यहाँ की दूरी में थे, इतना गैप था उनका आदमी का, जो उनको चोट लगी है। तो जब पावर उन्होंने चालू कराया चेक करने के लिए, तो उसके बाद जो है वो इतने में आग लगी, उतने में इनको यहाँ से चुंबक के तरीके खींच के छोड़ दिया। इतनी दूर से? दूर थे।
जब चोट लगी, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग आदमी हो, जवान आदमी, मतलब दूर खड़े थे वो? हाँ दूर थे, गाड़ी से दूर थे। गाड़ी से दूर थे तो उन्होंने लाइन चेक करी थी क्या चला के? बिजली वाले भी थे? ना बिजली वाले आए थे, दो अधिकारी लाए थे बाइक से। अच्छा जब ही हुआ, नहीं तो रात में 12 बजे हुआ था हादसा हमारा, उसके बाद कोई वो मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई रात में। बिल्कुल, आप जब लेके आए थे रात को तब वो जो आप बता रहे हो कि तार फंस गया था और चिंगारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें? उतने समय आग नहीं लगी थी टायर में? आग नहीं लगी? नहीं नहीं, उस समय कुछ नहीं हुआ था। ये तो सुबह में हुआ। हाँ सुबह में ट्रक से बाहर ही आ गए थे गाड़ी से, हल्का सा चिंगारी जैसा उठा, मैं खिड़की खोल के नीचे कूद गया। हाँ मैं कहा करंट आ गया, नहीं तो हमारी भी जान जाती। हाँ मैं नीचे कूद गया, फिर ऐसे छोड़ दिया। सुबह तक कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह 7:30 के टाइम के आसपास होगा जब अधिकारी लोग आए हैं बाइक से, जब ऐसा हादसा हुआ। रात में बाकी कोई दिक्कत नहीं थी और कोई हादसा नहीं हुआ था। क्या नाम था सिक्योरिटी गार्ड का? और साहब इनका नाम तो मैं मालूम नहीं, वो तो है उधर, बता नहीं रहते क्या नाम है? नाम नहीं बता रहे क्या नाम? नहीं हमसे तो नाम। अच्छा, और ये फिर आपकी गाड़ी, आपका मालिक वालिक आ गए थे क्या? मालिक आए थे सुबह आए थे। तो ये देख सकते हैं फरीदाबाद, इस वाले टायर में आग लग गई थी, ये जो पहला वाला है ये देखें, जैसा बता रहे हैं इस टायर में आग लग गई थी, नुकसान हुआ है, टायर देख रहे हैं जला हुआ टायर नज़र आ रहा है। और ये जो सारा हादसा हुआ है ये अभी सुबह का है, रात को इनके साथ जो कुछ भी हुआ उस समय कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन सुबह जैसा बता रहे हैं कि बिजली वाले आए थे। और ये देखें, ये गाड़ी राजस्थान नंबर है RJ01GC3828, ये देख सकते हैं। और ये CNG पंप है एकॉर्ड हॉस्पिटल के ठीक सामने, जहाँ की ये घटना है। सिक्योरिटी गार्ड था जिसको चोट लगी, खींच लिया, जैसा कि बता रहे थे कि वो जैसे ही लाइन चालू की तो उसे खींच लिया, लेकिन अस्पताल में ही भर्ती है वो। अभी उसकी हालत कैसी कुछ पता नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सही है, मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं, ठीक है, बच गए ये तो। हाँ हाँ, भगवान बचा लिया बस, ये समझ लो। इतने दूर से खींच लिया तो कुछ भी हो सकता था ना? हाँ कुछ भी हो सकता था। जब रात भर से खड़ी रही, लाइन कट गई, जब एक बार वो हुआ था ना चिंगारी उठी, लाइन कट गई थी। अच्छा, फिर ये जब सुबह आए हैं जब ऐसा हुआ है, सुबह चेक करे तो, पर वो अलग थे फिर भी, ये तो देखो अब वो अधिकारी लोग थे, अब कैसे कर सकते हैं हम भी? बिल्कुल। और ये तो जो सिक्योरिटी गार्ड था तो गाड़ी से अलग ही था, वो तो दूर थे, काफी दूर का फैसला। आप नहीं थे क्या? हम तो यही नीचे खड़े थे, काफी दूर का फैसला था, जब आग लगी तो हमने भागे वहाँ से। और वो खींच लिया था क्या? उसको तो पकड़ के छोड़ दिया तुरंत वहीं पे। ये भी शुक्र है कि छोड़ दिया था, अगर नहीं पकड़ के पटक के छोड़ दिया, फिर जो लाइट कट गई, तुरंत लाइट कट गई, नहीं तो तुरंत आग लग जाती सर। 11,000 वोल्ट थे वो, तो 1 मिनट नहीं लगता इतने में तो। सर 11,000 की लाइन कम नहीं होती, बहुत बोल जाके लाख लाख। अब गाड़ी का ही कंडीशन देख लो, गाड़ी के हिसाब से मान लो एक ही टायर लगाओ, सब में लग जाती तो गाड़ी भी चल जाती, हम भी चलते संग। तो बचाव हो गया था, पर ये लापरवाही भी है बिजली विभाग की, जो ये हाई टेंशन वायर जो है वो भी इतने नीचे, जबकि कवर्ड हो रखी है पर फिर भी नीचे 16 फुट के आसपास होना चाहिए ऊपर हाइट होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि किस तरह से, जैसे बताया, लेकिन नाम अभी सिक्योरिटी गार्ड का नाम नहीं पता लगा, एक बार जानने की कोशिश करेंगे क्या नाम था ये। क्या नाम था जी सिक्योरिटी गार्ड थे जो, क्या नाम था सिक्योरिटी गार्ड का? सिक्योरिटी, हाँ जिनको करंट लगा। सर वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ऑपरेटर है हमारे। ऑपरेटर है? हाँ। अच्छा, तो कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड है। नहीं, ऑपरेटर है वो, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वो। सिक्योरिटी गार्ड तो सेफ था, सिक्योरिटी गार्ड तो उन्हें उठा के लेकर गया है हॉस्पिटल तक। अच्छा, कहते हैं वो 50-55 साल की उम्र है, चश्मा वश्मा लगाते हैं जो। सिक्योरिटी गार्ड में, सिक्योरिटी में है कोई? सिक्योरिटी में ऐसा कोई नहीं है सर, वो ऑपरेटर है हमारा, और वो 50-60 की उम्र का नहीं है, बट चश्मा लगाते हैं सर, वो लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिकल्स के काम में, चमकाना लगे इसलिए। नहीं वो तो ठीक है, वो चश्मे वाली बात तो अलग है, लेकिन मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं, वो ऑपरेटर है। वो ऑपरेटर है जो खड़े थे गाड़ी के पास? सर ऑपरेटर है वो, बताने के लिए गया था कि क्या हादसा हुआ है क्या नहीं हुआ, बिजली वाले आए थे उनको बता रहा था। ठीक है, तो बिजली ने इसका गैप तो था नहीं उसमें, तो उसने खींच लिया, 11,000 की लाइट थी अपनी तरफ खींच लिया। वो क्या नाम था इनका? नाम क्या है पंडित जी का? सुरेंद्र कुमार है शायद, सुरेंद्र कुमार शायद, कन्फर्म नहीं है, सॉरी। तो ये तो देखो कन्फर्म नाम बताओ तब तो, है ना, आपके यहीं काम करे तो ऑपरेटर भी थे। अब हमें तो ये सूचना मिली थी सिक्योरिटी गार्ड है, हम तो वही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन आप कह रहे हैं ऑपरेटर थे। रेनो की तरफ से है, ऑपरेटर है तो उसका, हमारे कंप्रेसर का ऑपरेटर है सुरेंद्र ही नाम है उनका, बट ऐसे ना बुजुर्ग नाम है तो उनको किसी ताऊ के नाम से ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम उनसे कभी नाम नहीं लिया उनका।
ताऊ ताऊ करते हैं ना, तो इसलिए हमने कभी उनका नाम लिया ही नहीं है। तो आप कैसे हैं, हालत ठीक? हाँ, आप ठीक है, फिलहाल बेटर है, मतलब बचाव हो गया। हाँ, बचाव हो गया, खतरे से बाहर हैं। आप ये देखो ना, इतनी बड़ी लाइन जो मतलब खींच लिया है इतनी दूर से, तो कुछ भी हो सकता था ना। कुछ भी हो सकता है सर, हादसा तो बहुत बड़ा, बिजली वालों की गलती है इसमें। इतनी पहली बात तो लापरवाही है बिजली विभाग, बिजली विभाग से बहुत बड़ी लापरवाही। सबसे बड़ी तो ये है कि इतने 11,000 की जो लाइट है, इतने ऊंचे पर नहीं रखनी चाहिए, जिन्होंने हाइट दी हुई है। रात भर कंप्लेंट करी है हमने, तब भी नहीं आए, दारू पी के पड़े रहते हैं। बिजली वालों को बहुत ही ज्यादा लापरवाही है, खासकर फरीदाबाद के एरिया में तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्या नाम सर? मेरा नाम महेंद्र सिंह गौड़ है भाई। महेंद्र सिंह, मैसेज आया था लेकिन वो नहीं आया कि, और प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व, लेकिन कोई आया नहीं वहाँ से। अच्छा, तीन बार चार बार कंप्लेन किया टोल फ्री नंबर में, मगर कोई आया नहीं। यहाँ का नंबर दिए, यहाँ पे बिजली उनको किया जो है कर्मचारी, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आया। पर हादसा भी सुबह हुआ है? वो तो हादसा सुबह हुआ है, उन्होंने मतलब कहा था कि मैंने लाइट काट दी है, लाइट नहीं आएगी, निश्चिंत रहो। लेकिन लाइट फिर भी उन्होंने सुबह दे दी, लाइट के लिए उन्होंने कही थी कि लाइट मैंने बंद कर दी, लाइट नहीं जाएगी फिर वहाँ पे। सारे कर्मचारी सुबह तक जाएंगे, वो सही कर दें, लेकिन सुबह लाइट उन्होंने चालू कर दी। और वहाँ पे बुलाया कि यहाँ पे, जब कर्मचारी आए बिजली वाले, तो उन्होंने बुलाया कि यहाँ पे क्या हुआ है। जब उनके पास गए तो करंट ने उन्हें खींच लिया। हाँ जी, तो शुक्र है कि चलो बच गए। वो तो मतलब झटका मार दिया और ना खींच के छोड़ दिया, नहीं तो चिपक जाते, तो इसमें तो पता भी नहीं लगता, एक मिनट नहीं लगता। 11,000 मौके पर लोग वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने बचा के तुरंत सामने हॉस्पिटल लिए गए टाइम पे, तो बच गए। उन्हें राख कर देता। हाँ जी, फरीदाबाद देख सकते हैं अभी, हालांकि बता रहे हैं कि हालात ठीक हैं, लेकिन माफी चाहेंगे जिसके कारण ये हादसा हुआ। और सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड